हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ओरियो वेफर डेजर्ट, वो भी बहुत से कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत झटपट बन जाने वाले हम डेजर्ट बनाना सिखा रही हूँ। ये आप ईद पे या पार्टीज़ पे, बर्थडेज पे इसको बना सकती हैं। चलिए स्टार्ट करती हैं, इस पे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ ओरियो बिस्किट, ओरियो और वेफर बिस्किट के डिलाइट्स। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैंने ओरियो बिस्किट लिया है, ये वाले पैकेट, इसके मैंने 6 पैकेट लिए हैं और उसको मैंने ऐसे ही स्मैथ है इसको ना, मैं थोड़ी सी या उससे आप चॉप कर लें या इसको डंडा मार के इसको आप तोड़ लें, चूरा चूरा कर लें, या आप ब्लेंडर में डाल के इसको चूरा चूरा कर लें। ये मैंने चूरा चूरा कर लिया है। और ये हैं ड्राई फ्रूट्स, बादाम, वॉलनट्स और पिस्ता, ये भी मैंने चॉप करके रख ली हैं। और ये वेफर्स हैं, चॉकलेट फ्लेवर वेफर्स हैं, इसको भी मैंने हल्का सा भुना सा इसको भी ऐसे ही कूट लिया है इसको। और चॉकलेट चिप थोड़े से चाहिए और क्रीम चाहिए हसब ज़रूरत। पहले हम क्रीम को अच्छी तरह बीट करेंगे, इसके लिए हम एक बॉल लेंगे, बॉल में क्रीम डाल के हम अच्छी तरह इसको बीट कर लेंगे। अब इसको हमें बॉल में डाल लिया है, अब इसको हम अच्छी तरह से क्रीम हमारी अच्छी तरह से बीट हो गई है। और चॉकलेट चिप को मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट होने के लिए रख दिया है, वो मेल्ट हो जाएगी तो हम इसको आधा आधा कर लेंगे, आधे क्रीम में चॉकलेट डाल देंगे और आधे में सादी करेंगे। अब हमने अलग-अलग बोल में इसको डाल दिया है और हमारी चॉकलेट भी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब ये सारा हम इसके मिक्सर डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमने एक सर्विंग ग्लास लेना है, यानी कि आइसक्रीम या ट्रैफल ग्लास ले लेंगे हम। इसमें फिर पहले बिस्किट का चूरा लगाएंगे, उसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, थोड़े से और हमें ओरियो का फ्लेवर आने के लिए हमने 3 बिस्किट और लेनी है। ये इनको मैं मोटा मोटा क्रश कर लेंगे हाथों से और फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा सेट हो गया है, जो हमने बिस्किट का चूरा लगाया था। अब इसके अंदर हम चम्मच की मदद से या पाइपिंग की मदद से आप इसके अंदर अब इसके अंदर हम वेफर्स डालेंगे, वो भी चॉकलेट फ्लेवर वाले। इसके अंदर हम ये चॉकलेट मेल्ट की हुई थी क्रीम वो ऐड कर देंगे। ये आप डेजर्ट ईद पे, पार्टी पे,
बर्थडेज में, छोटे छोटे इवेंट्स में आप इसको आप बना सकते हैं। बहुत इजी है और कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाते हैं बहुत इजीली। डाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा और हम डालेंगे, ऊपर से नट्स डाल देंगे। मैंने थोड़े से वेफर्स भी ऊपर डाल दिए थे, नट्स भी डाल दी हैं। अब ये मैंने नाइफ की मदद से इसको मैंने हाफ कर दिया है, आपकी मर्ज़ी अब हाफ रखें या फुल रखें। इसको डेकोरेट करके थोड़े से चॉकलेट चिप भी ऊपर डेजर्ट करके इसको स्प्रिंकल करके, आप स्प्रिंकल्स भी डाल सकती हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो डालें। और इसको हम 6 घंटे या 3 घंटे आप इसको फ्रीजिंग में जमने दें, और जब अच्छी तरह चिल्ड हो जाए तो आप इसको खाएं और मज़े करें, इंजॉय करें। मिलते हैं 3 से 4 घंटे बाद। लीजिए फ्रेंड, हमारे मज़ेदार से डिज़र्ट ओरियो वेफर डिज़र्ट हो गया है तैयार। अब इसको आप खाएं, इंजॉय करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलती हूँ न्यू और अच्छी वीडियो के साथ और इजी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नौशीन आर्ट्स एंड कुकिंग आइडिया। अल्लाह हाफिज़।